हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर एट की एक्सरसाइज 8.4 को हम कर रहे हैं और इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके हम पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, यानी पहले तीनों पार्टों को डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोज़ अगर आपको देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है 8.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में कि 1 + sec a / sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a। और इसमें हमारे लिए हिंट दिया है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, यानी कि हमको लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और दोनों को हमको इक्वल प्रूव कर देना है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये आपके पास में क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने सबसे पहले लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 + sec a, क्या है, 1 + sec a / sec a, ठीक है, 1 + sec a / sec a है, तो हमने इसको लिख लिया है। तो देखिए आप, तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए sec a को क्या लिख सकते हैं, sec a इज इक्वल्स टू 1 / cos a, यानी 1 / cos a क्या होता है, sec a होता है। तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 / cos a लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए 1 को मैंने 1 लिख दिया, sec a को मैंने क्या लिखा, 1 / cos a, क्या लिख दिया, 1 / cos a / sec a को फिर से मैं क्या लिख सकता हूं, 1 / cos a, ठीक है, इसको भी मैंने क्या लिख दिया, 1 / cos a। अब देखिए आप यहां पे LCM ले लीजिए, तो यहां पे हमारा ऊपर वाला टर्म है उसमें देखिए, तो हमारा LCM आ जाएगा कितना, cos a, यानी 1 का और cos a का LCM क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा, क्योंकि हम देखो किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ऑलरेडी 1 होता है उसके नीचे, तो हमने 1 मान लिया। इससे क्या होता है, आसान हो जाता है बच्चे को समझने में। तो हमारा LCM आ गया cos a, 1 का डिवाइड हमने cos a में लगाया, तो cos a टाइम जाएगा, देखो cos a में 1 का डिवाइड, तो 1 का डिवाइड किसी में भी लगाएंगे तो उसी संख्या के बराबर जाता है, तो cos a में लगाएंगे तो cos a के बराबर जाएगा। तो cos a आ गया यहां पे हमारा, क्या आ गया, cos a आ गया, प्लस cos a का डिवाइड cos a में लगाया, तो देखो सेम का डिवाइड सेम में लगाते हैं तो क्या आता है, cos a डिवाइडेड बाई cos a, तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें बट मैं बता देता हूँ, cos a डिवाइडेड बाई cos a, तो हमारा आ गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 / यहाँ पे देखिए 1 / cos a, क्या आ गया, 1 / cos a। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लस 1 था, तो देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos a मल्टीप्लाइड बाई 1 + cos a, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 + cos a अपॉन, देखिए क्या है, अपॉन में हमारे पास में cos a, क्या है, cos a, और देखो cos a से cos a कट गया, तो बचा क्या हमारा, बच गया 1 + cos a। इससे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करिए और बता दीजिए कि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं राइट हैंड साइड को, ठीक है, तो देख लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है हमारी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a, ठीक है। अब देखो हमको यूज करना है साइन स्क्वायर ए को, हम क्या चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास में एक फंडामेंटल जो हमारा जो फॉर्मूला होता है इसके लिए, यानी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला होता है, जो कि हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से देखिए आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - cos² a। देखो यहाँ पे प्लस का कॉस स्क्वायर ए था, राइट हैंड साइड में जाके ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos² a, तो 1 - cos² a अपॉन, नीचे जो है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या मैं इसको स्क्वायर मान लूँ, मतलब 1 पे अगर मैं स्क्वायर मान लिया तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं a² - b², तो हमारा फॉर्मूला होता है a² - b² के लिए a + b एंड a - b,
ठीक है, ये आपको फॉर्मूला इजीली पता होगा, नहीं पता है तो आप अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो ए क्या है यहाँ पे हमारा 1 है और बी क्या है कॉस थीटा है, तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ या कॉस ए है, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए एंड अगेन क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए है, तो देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो बच क्या गया मेरा, मेरा बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब ये देखिए कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी क्या आया 1 प्लस कॉस ए, जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी कितना आया 1 प्लस कॉस ए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंस 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है, तो यानी हमारा जो प्रूफ था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।